मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर लहरी पैथोलॉजी लैब में आगरा में कार्यरत हूँ। आजकल का जो मौसम है जिसमें बेहद गर्मी पड़ रही है और तापमान करीब 40 से 45 डिग्री के बीच में है, इस समय कई बीमारियां हैं जो बहुत कॉमनली दिखाई जाती हैं। एक तो है कि क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत धूल है, उससे बहुत लोगों को एलर्जी इस समय हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों पर इस समय फूल होते हैं, जैसे गुलमोहर है, अमलताश है, और भी बड़े पेड़ हैं जिनके फूल होने के कारण उनके पराग से लोगों को एलर्जी होती है और धूल से भी एलर्जी हो रही है। इन लोगों को इस मौसम में कई लोगों का एस्मा भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए कि अपने नाक पे कपड़ा या मास्क लगा के बाहर ट्रैवल करें या बाहर निकलें। दूसरी है, तेज़ गर्मी की वजह से अगर पानी की मात्रा पूरी नहीं पी जाती है तो उनको डिहाइड्रेशन होने की पूरी संभावना है, जिसको हम आमतौर पर लू लगना बोलते हैं। वो असलियत में आपका शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ये ज़रूरी है कि 2 लीटर के लगभग पानी अवश्य पिएं और अपने साथ पानी कैरी करें वाटर बॉटल में। स्पेशली बच्चे जो हैं जो खेलने में मस्त हो जाते हैं और पानी वानी नहीं पीते हैं, उनको भी तरल पदार्थ, पानी अथवा जूस या कुछ भी लिक्विड देते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, जिससे उनके पानी का मात्रा शरीर में कम नहीं हो, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और बहुत ड्राई वेदर है। इसके बाद एक जो इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं, क्योंकि खुले हुए बहुत सारे तरबूज, खरबूजे, आम वगैरह मिलते हैं और लोग जूस भी पीते हैं, बिना वहाँ पे चीज़ें ढकी हुई नहीं होती हैं, फल कटे हुए होते हैं, और कई बार वो लोग बर्फ़ की सिल्ली से बर्फ़ मिलाते हैं, उससे भी जो इन्फेक्शन है वो फैलते हैं। इसकी वजह से दस्त हो जाते हैं और दस्त से भी फिर पानी की कमी हो जाती है और वो इस मौसम की वजह में और ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें ORS का घोल पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे पानी और नमक दोनों की भरपाई की जाए, और जितना अवॉइड कर सकें उतना खुले हुए फल वगैरह ना खाएं और बाहर का जूस जिसमें बर्फ़ पड़ी हुई है वो ना पिएं।